हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आईलाइनर हैक। कैसे आपको आईलाइनर लगाना चाहिए, किस तरीके से आप लगाओगे तो आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। एंड उससे पहले मैं अपने फेस का करने वाली हूँ मेकअप। अगर आपको आप अपना मेकअप कर रहे हो, दिन में करना है, कहीं जाना है और आप हैवी लुक नहीं चाहते हो, बिल्कुल नॉर्मल सा लुक चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो सनस्क्रीन लगा लेना, क्योंकि बाहर जब आप निकलोगे तो आपकी स्किन, आप अगर आप फेस पे कुछ लगाओ मत लगाओ, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन से आपकी स्किन में जो टैनिंग आती है या फिर जो डार्क स्पॉट्स आते हैं उसको एक रोकने में मदद करता है काफ़ी ज़्यादा। सूर्य की किरणों से जो आपके आपका फेस, गर्दन, ये सब काले होते हैं तो वो नहीं होगा। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए मेकअप करने से पहले, अगर आप डे पार्टी मेकअप के लिए जा रहे हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो। तो ये हेयर स्टाइल मैंने सिर्फ एक क्लचर की मदद से बनाया है। आजकल धूप में बैठ बैठ के पूरी गर्दन भी काली हो रही है मेरी, तो सनस्क्रीन को मैंने लगा दिया है। ओके, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि सनस्क्रीन अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और ये सनस्क्रीन है, ये है आयुर सनस्क्रीन लोशन, प्रोटेक्ट टू फेयरनेस, अपने आपके गोरेपन को प्रोटेक्ट करता है, काला नहीं होने देता है स्किन। एंड आयुर का है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, ऑल स्किन टाइप है तो कोई भी ले सकता है। SPF 15 है, तो जो औरतें सिर्फ घर में रहती हैं उनको लगता है कि हम तो सिर्फ घर में ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, तो हमको सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। अगर आप घर में भी रहते हो तो आपकी स्किन डैमेज होती है, तो हाँ आप SPF 50 तक मत लो, SPF 15-13 आप जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है सनस्क्रीन। ओके, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा SPF 15-30 घर में रहने वालों के लिए, बाहर आप जा रहे धूप में तो 40-50-60 तक SPF वाला सनस्क्रीन ले सकते हो। तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था, ये मुझे मिला था ओनली 50 रुपीज़ में। तो सनस्क्रीन मैंने लगा दिया और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो गया है। अब हम लोग करेंगे अपना मेकअप। तो मेकअप के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो आप चाहो तो थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो अपने, जो जैसे ये तिल वगैरह दिख रहे हैं इनको हाइड करने के लिए। एंड आईब्रो मेरी निकल गई है, लेकिन मेरी आईब्रो मैं बहुत ज़्यादा घनी करूँगी, उसके बाद से अच्छा सा शेप दूंगी। तो अभी मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो ये है मेरा फाउंडेशन शेड नंबर 3। मेरा शेड नंबर तो 1 है, बट अभी 3 है मेरे पास, तो मैं वही यूज कर ली। हाँ, ज़्यादा डार्क यूज नहीं कर सकते, ये ऑलमोस्ट मेरी स्किन से मैच हो जाता है। तो सिर्फ फाउंडेशन से मेकअप कैसे करेंगे उसके लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। राउंड फेस पे कॉन्टोर कैसे करेंगे, सारी चीज़ों की वीडियो डिटेल में जा चुकी है। तो इस तरीके से लगा लिया मैंने, अब ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से पहले आप अपना लोगे मेकअप फिक्सर और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करोगे, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और ब्यूटी ब्लेंडर को भी थोड़ा मेकअप फिक्सर से ही गीला कर लेंगे, और ये पानी जो है ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ब्यूटी ब्लेंडर में, तो आप अच्छे से पानी में इसको डीप करके और एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिएगा, उसके बाद इसे ब्लेंड कीजिएगा, तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। और मेकअप फिक्सर आप लगा देते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ग्रे नहीं पड़ता है। तो आप ब्लेंड करने से पहले मेकअप फिक्सर ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, तो आप देख सकते हो कितना ईजिली ब्लेंड हो रहा है। तो बिल्कुल आराम आराम से ऐसे टैप टैप करते करते अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। तो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इतना सा ही यूज करके जा सकते हो, पूरा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आप वहां पे मेकअप तो नहीं दिखा सकते हो, तो सिंपली फाउंडेशन अप्लाई करो और अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके फेस का। ब्लेंड करने में जितना भी टाइम लगे, ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके मेकअप का लुक अच्छा आता है और पता भी नहीं चलता है कि आपने बहुत हैवी मेकअप अप्लाई कर रखा है। तो गर्दन और फेस हमेशा एक इक्वल होना चाहिए, तो आपको जितना प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो गर्दन पे भी अप्लाई कीजिए, नहीं तो कलर अलग अलग दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा फिर वो।
तो अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल पास से देख सकते हो, तो बिल्कुल बराबर, मतलब बिल्कुल इक्वल सारी जगह ब्लेंड हुआ है। अब तुरंत के तुरंत आपको कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसको टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए फेस में, उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, क्योंकि साथ साथ में लगा दोगे तो अगर गर्मियों के टाइम में आप ऐसा करते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर मिक्स होके और आपका फाउंडेशन केकी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट करना है। तब तक हम लोग अपना आईब्रो फील कर लेंगे, आईब्रो फीलिंग के लिए तो बहुत बार वीडियो बता ही दिए हैं, तो बार बार एक ही चीज़ क्या बताना है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ओके, मिक्स कर लेंगे। आज थोड़ा सा पतला रखेंगे आईब्रो का लुक। फ्रंट में कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए आईब्रो यूज, आईब्रो फील करते टाइम। तो ये अच्छे से हमने आईब्रो फील कर लिया अपना। अब हम लोग लगाएंगे अपना लाइनर, तो लाइनर के लिए स्केच आईलाइनर यूज कर रही हूँ मैं, तो दोनों आईलाइनर में आईज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो एक हम लोग लगाते हैं इस तरीके से और यहाँ लाके इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। ओके, एक तो ये हो गया, लेकिन इसमें क्या है यहाँ से आपकी विंग जो है ऐसे घूम के गई हुई है, और एक इस तरीके से आपको करना है, थोड़ी ऊपर से बिल्कुल तिरछी ले जानी है यहाँ से। ओके, तो उससे आपकी आंखों का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। अब इसको बिल्कुल तिरछा ला के ऐसे मिक्स कर देंगे। और जो ये बिगड़ रहा है ये भी अभी ठीक करके दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रही हूँ, इनर कॉर्नर से तो एक तो हो गया ये वाला लुक एंड दूसरा हो गया आपका इस तरीके का लाइनर। दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप वेस्टर्न पे जा रहे हो
तो आपको इस तरीके से लगाना चाहिए लाइनर। और अगर आप इंडियन वेयर कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो इसकी जो विंग्स हैं वो अगर आपकी भी इस तरीके से बिगड़ जाए तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं बता रही हूँ, बहुत इजी वे में आप इसको इजीली निकाल सकते हो। लो वाटर लाइन पे ज़रूर लगाइएगा लाइनर, क्योंकि इससे आपका काजल जो है वो बाहर नहीं आता है, फैलता नहीं है। और इस वाले में भी आपको लो वाटर लाइन पे लगाना है। जैसे आपका इस टाइप का लाइनर है तो आपको लो वाटर लाइन पे थोड़ा सा चौड़ा लाइनर अप्लाई करना है, देन फ्रंट पे आपको नहीं करना है, लेकिन इसमें आपको पूरा आउटर से लेके इनर कॉर्नर तक लाइनर अप्लाई करना है। ओके, इसमें भी आप लाओगे नीचे तक इनर कॉर्नर तक, लेकिन इस तरीके से नहीं, बस इस तरीके से सिंपली आप लगा दोगे और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए इसकी तो विंग्स बहुत अच्छी बनी है, बट इसमें आपको चौड़ी हो गई है। तो अगर आपकी विंग्स इस तरीके से चौड़ी हो जाए तो आप क्या करोगे, आपको लेना है अपना कंसीलर। इस तरीके से हाथ में मैंने कंसीलर ले लिया, देन उसके बाद आपको ये वाला ब्रश लेना है अपना, ये वाला, एंड इसको यहाँ पे ब्रश में कंसीलर को ले लेंगे। यहाँ से जितना आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा लग गया है उतना इस तरीके से कंसीलर से विंग्स को कट कर दोगे। ओके, तो ये आपका इजीली लग भी जाएगा और जो भी आपका फैला होगा आईलाइनर वो भी शेप में आ जाएगा। तो नीचे से तो हमने शेप में ला दिया, अभी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है परफेक्ट नहीं बना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया है। तो जब हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इस तरीके से घूम के जा रहा है, बस इस टाइप के लाइनर में आपको घूम के नहीं जाना चाहिए। पहले तो हम लोग यहाँ से इसको इक्वल कर दे रहे हैं, और यहाँ से देखिए जितना हमने आईज खोल रखी है, अब खोल के जो हमारी एक्स्ट्रा लग रही है वहाँ से आप लाइनर को बिल्कुल तिरछा बनाओगे, बेशक चौड़ी हो जाए लेकिन बिल्कुल तिरछा इस तरीके से आना चाहिए। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में से लाइनर वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आप इसमें डबल विंग्स भी कर सकते हो, डबल विंग्स बनाने के लिए आपको क्या करना है वो भी बता दे रही हूँ मैं। पहले हम लोग अपना काजल अप्लाई कर लेंगे। डबल विंग्स करने के लिए आपको फिर से कंसीलर को लेना है, पहले आप अपना डबल विंग्स बना लेंगे। जो हमारी लो वाटर लाइन होती है यहाँ से आपको डबल विंग्स इस तरीके से निकालनी होती है। ओके, आप चाहो तो छोटी भी रख सकते हो अगर ज़्यादा बड़ी लग रही है आपको तो। हमेशा नीचे वाली विंग्स को ऊपर वाली से बड़ा रखिएगा, और फिर इसको लो वाटर लाइन पे जो आपने विंग्स लगाई है उसके साथ मिक्स कर देना है। तो फ्रंट वाला, पहले वाला आपने देख लिया, ये सेकंड है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। ऊपर से आपको इस तरीके से फ्रंट में तो विंग्स निकालना ही है, एंड नीचे से भी आपको
इस तरीके से विंग्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस साइड हमने नीचे वाले लो विंग्स को ऊपर वाले से बड़ा रखा है, लेकिन इनर कॉर्नर पे आपको नीचे वाले विंग्स को ऊपर वाले विंग्स से लाइनर जो हमने लगाया है उसको छोटा रखना है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कंसीलर। और इस तरीके का जब भी आप लाइनर लगा रहे हो तो उसमें वाइट काजल अप्लाई कीजिएगा। हमने ब्रश ले लिया, ब्रश पे हम लोग कंसीलर लेंगे और बिल्कुल यहाँ से लाइनर के बीचों बीच अप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि जो हमारा लो वाटर लाइन है वहाँ तक पूरा अच्छे से कट हो जाए। अब आपको फ्रंट में भी सेम करना है। इस तरीके से अब इसके अंदर आपको हमेशा व्हाइट काजल अप्लाई करना है। इस तरीके का लाइनर अगर आप लगा रहे हो तो, क्योंकि इस तरीके का लाइनर हम लोग अक्सर आंखों को बड़ा दिखाने के लिए लगाते हैं, तो अगर आपने इसमें ब्लैक काजल अप्लाई कर दिया तो आपका जो लुक है वो जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। व्हाइट काजल इस तरीके से अप्लाई कीजिए एंड लुक आप देख सकते हो। दूसरी वाली आईज में भी व्हाइट काजल अप्लाई करेंगे। तो ये तो हमने बना लिया, लेकिन जैसे तीन तीन अलग अलग तरीकों से लाइनर लगाना तो आपने सीख ही लिया होगा। अब हमको सेम इस तरीके से इसको भी करना होगा। तो आपको पहले यहाँ से लाइनर हटाना है, फिर नीचे डबल विंग्स बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया था। ओके, एंड सिंपल लाइनर लगाने तो आपको आता ही है, और आजकल जो लाइनर चली हुई है वो यहाँ तक ही रह रही है, तो उसके लिए कैसे बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले इसको लाइनर को साफ कर ले रहे हैं। तो आजकल जो लाइनर आ रही है चल रही है वो यहीं तक रह रही है इस तरीके से, तो हमने साफ कर लिया। देन ऊपर में हमने बहुत चौड़ा कर दिया था, बस इनर कॉर्नर से लेके जाएंगे। इस तरीके से लगा के आपको छोड़ देना है, और इसके साथ भी आप चाहो तो डबल विंग्स बना सकते हो। ओके, तो ये हमारा फोर्थ टाइप का लाइनर हो गया, थर्ड ये चौथा हमारा आई लाइनर हो गया। अब पांचवे में हमको क्या करना होता है, ये जो हमारा नीचे से विंग्स गया है इसको थोड़ी सी लंबी और करेंगे, और ये जो हमारा ऊपर वाला विंग्स था उसके साथ मिक्स कर देंगे। और नीचे वाले लो वाटर लाइन पे जो लाइनर लगाया है उसको थोड़ा और चौड़ा कर देंगे। तो ये हमारा पांचवा हो गया। छठे में आपको क्या करना है, इनर कॉर्नर से लाइनर को करना है साफ, और यहाँ से अपर वाले लाइनर को मिक्स कर देंगे। देन नीचे आपको नहीं लगाना है लाइनर, क्यों, क्योंकि इससे आपकी आईज बड़ी दिखेंगे अगर आप इस तरीके का लाइनर लगाते हो तो। ओके, और लो वाटर लाइन पे थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर दीजिएगा ताकि जो आपकी आईज है वो बड़ी दिखे। उसके लिए व्हाइट कलर का हाइलाइटर लेंगे, देन नीचे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। और इसमें आप व्हाइट काजल तो आपने अप्लाई कर ही लिया है, और जो नीचे का लो वाटर लाइन पे जो आपने लाइनर अप्लाई किया वो आधे आईज तक ही होना चाहिए। तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये इस तरीके से तो अच्छी नहीं लग रही, तो हम लोग दोनों आईज का जो लाइनर है वो सेम कर लेंगे। एक दो लाइनर और भी हैं जिसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगी कि कैसे आपको
अप्लाई करना है, क्योंकि वीडियो हो रही है काफ़ी ज़्यादा लंबी एंड ये वाला लंबा हो गया तो इसको भी थोड़ा सा लंबा कर देंगे, लेकिन परफेक्ट तरीका यही है जो यहाँ पे आपने देखा अभी लगाया हुआ मुझे। अपर वाले को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ज़्यादा ही हो गया ये। कंसीलर से डबल विंग्स को अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे कंसीलर ले लिया मैंने एंड डबल विंग वाला प्लस, और इस तरीके से कंसीलर को ब्रश पे लेंगे। और इस तरीके से कट कर देंगे बीचों बीच। ये हमने बनाया था दूसरे तरीके का, फिर इस तरीके का बना दिया है तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बट इग्नोर कीजिएगा। चलो कोई ना, हम लोग अपने मेकअप को सेट करते हैं कौन से पाउडर से। थोड़ी देर के बाद अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो गया रहता है, फिर इस ग्रे नहीं पड़ेगा आप थोड़ी देर के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर अपना यूज कर रहे हो तो। बस इतना ही करके आप बाहर जा सकते हो, लेकिन इतनी खतरनाक लाइनर लगा के तो आप नहीं जा सकते, तो इसको सिंपल लुक में कर लीजिएगा कन्वर्ट। अपना लिपस्टिक लगाइए और अपना ऑफिस या फिर कॉलेज जहाँ भी जाना है आप जा सकते हो। तो लाइनर हम लोग करेंगे थोड़ा सा सिंपल लुक में, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा के रहना है अभी यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने साफ कर दिया है, देन दूसरी साइड से भी साफ कर देंगे, क्योंकि इतना हैवी अच्छा नहीं लग रहा है ये। और किस किस का मुँह ऐसे खुल जाता है जब आप लाइनर लगाते हो या फिर साफ करते हो, तो ये हमने साफ कर लिया। अब यहाँ पे हमारा जो था अच्छे से, फाउंडेशन और पाउडर दोनों हट चुका है, तो लगा देंगे थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन और इसको कर देंगे ब्लेंड इस कॉर्नर से। कभी भी आपको इस टाइप की जगह पे अगर ब्लेंड करना है तो कॉर्नर का यूज कीजिएगा। अब इसको सेट कर देंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से, फेस पाउडर जो भी बोलते हो आप इसको, और हल्की सी विंग्स निकाल लेंगे। इन दोनों विंग्स को मिक्स कर देंगे आपस में। ओके, हल्का सा विंग्स निकालेंगे। लो वाटर लाइन के भी जो विंग्स है उसको मिक्स कर देंगे, सॉरी लाइनर है जो लो वाटर लाइन पे उसको मिक्स कर देंगे दूसरी साइड से भी।
तो गाइस स्टूडेंट आ गई थी मेरी, तो बस अब जल्दी जल्दी मैं आईलाइनर लगा रही हूँ एंड अपना कॉलेज जाने के लिए लुक आपका कंप्लीट है। कोई मैं न्यूड शेड का लिपस्टिक अप्लाई कीजिएगा क्योंकि कॉलेज ऑफिस में डार्क लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है। मैं साड़ी पे बता रही हूँ बट आपके ड्रेस के साथ न्यूड शेड ही जाएगा क्योंकि ऑफिस एंड कॉलेज में आप लोग साड़ी वगैरह डाल के भी जाते हैं, तो साड़ी का भी जो कलर होता है वो लाइट ही होता है। आज बृहस्पतिवार था तो हम लोग यहाँ थोड़ा पहनते हैं येलो कलर। तो ये शेड तक जाएगा क्योंकि ये लाइट पिंक में आता है। उसके बाद आप न्यूड शेड ले सकते हो, न्यूड शेड में काफ़ी सारे कलर आते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।